एयरपोर्ट में सब बहुत अच्छा था, इतना केक लाइफ में कभी काटा नहीं इस बार तो स्पेशल था नहीं। और स्पेशल इसलिए क्योंकि वो जो कैच पकड़ा था उसको 8 दिन हो गया, एनिवर्सरी को भी 8 दिन हो गया तो इसलिए थोड़ा ज्यादा स्पेशल। हमारे यहाँ का लड़की को आपने कैसा लव लव मैरिज का? अब ये वाला स्टोरी है, दबा दो इधर। एक कैच को बहुत ये किया है, वो टच किया है, सिक्स लाइन ये पूरा कंट्रोवर्सी हो गया सोशल मीडिया में। पता नहीं, मैंने तो टच नहीं किया सब जगह। अभी ऐसा कैसे है कि पूरा इतना लोग तो कुछ नहीं कर सकते सब लोग, तो मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मोमेंट पे वो मैंने किया, और भगवान के दुआ से मैं वो टाइम पे वहाँ पे था, मुझे वो चांस मिला कैच पकड़ने का, तो अच्छा लग रहा है। वो वीडियो पाकिस्तान से है, वो चर्चा आ रहा है सर। विदाउट च्युइंग गम वी कांट इमेजिन सूर्यकुमार मोदी। वो मुझे अच्छा लगता है, वो जब भी मैं जाता हूँ बैटिंग करने के लिए और उस सिचुएशन में रहता हूँ, क्योंकि मैं मजे करके खेलने को मुझे अच्छा लगता है, एंजॉय करके तभी मैं अंदर बैठा, वो उसका ही एक पार्ट है। बहुत अच्छा था, इतना केक लाइफ में कभी काटा नहीं इस बार तो स्पेशल कभी खाया नहीं। और स्पेशल इसलिए क्योंकि वो जो कैच पकड़ा था उसको 8 दिन हो गया, एनिवर्सरी को भी 8 दिन हो गया तो इसलिए थोड़ा ज्यादा स्पेशल। हमारे यहाँ का लड़की को आपने कैसा है लव लव मैरिज का? अब ये वाला स्टोरी है, दबा दो इधर। एक कैच को बहुत ये किया है, वो टच किया है, सिक्स लाइन ये पूरा कंट्रोवर्सी हो गया सोशल मीडिया में। पता नहीं, मैंने तो टच नहीं किया सब जगह। अभी ऐसा कैसे है कि पूरा इतना लोग तो कुछ नहीं कर सकते सब लोग, तो मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मोमेंट पे वो मैंने किया, और भगवान के दुआ से मैं वो टाइम पे वहाँ पे था, मुझे वो चांस मिला कैच पकड़ने का, तो अच्छा लग रहा है। वो वीडियो पाकिस्तान से है, वो चर्चा आ रहा है सर। विदाउट च्युइंग गम वी कांट इमेजिन सूर्यकुमार मोदी। वो मुझे अच्छा लगता है, वो जब भी मैं जाता हूँ बैटिंग करने के लिए और उस सिचुएशन में रहता हूँ, क्योंकि मैं मजे करके खेलने को मुझे अच्छा लगता है, एंजॉय करके तभी मैं अंदर बैठा, वो उसका ही एक पार्ट है। छोटा सा मुझे